नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज अपनी काम की क्लास में पार्टनरशिप को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक अपनी प्रीवियस क्लासेस में पार्टनरशिप में क्या क्या कवर कर लिया है कि व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की क्या नेसेसिटी है, असेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट व्हाट हैपेंस, ये सब कवर कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का क्या मतलब होता है और कैसे ये सब कैलकुलेट होता है, कितने केसेस बन सकते हैं, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। देन कैपिटल का मेंटेनेंस, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल मेथड, यहां तक हम सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पार्टनरशिप चैप्टर के बेसिक्स पे ही। ओके, चल लेट्स बिगिन। अब जो टॉपिक मुझे आपको समझाना है वो है, वन सेकेंड गाइस, पीएनएल अकाउंट वर्सेस पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब इसमें क्या होता है और कैसे कैसे होता है ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, पीएनएल अकाउंट तो हम लोग बनाते आए हैं, है ना। पीएनएल अकाउंट में हम कैसे करते हैं, पीएनएल अकाउंट में हम सारी इनकम को लिखते हैं और सारे चार्जेस ऑन इनकम को लिखते हैं, जिससे निकल कर आता है हमारा नेट प्रॉफिट, राइट। हम जितनी भी हमारी इनकम होती है उसे लिखते हैं, जितने भी हमारे चार्जेस ऑन इनकम है उसे लिखते हैं, इसी से पीएनएल अकाउंट बनता है। नेट फिगर क्या निकल के आती है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ओके जी, ओके, ठीक है। अब देखो, अच्छे से समझना, अगर नेट प्रॉफिट निकल कर आता है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या बताता है जी हमें, यूज ऑफ प्रॉफिट। मतलब जी, ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है इसके जो ये पार्टनर्स हैं, ये इस प्रॉफिट को कैसे यूज करेंगे, मतलब ये इस प्रॉफिट को किस तरीके से लेना पसंद करते हैं। सीधा सीधा प्रॉफिट ले लो इस तरीके से पसंद करते हैं कि अलग अलग नाम से लेना पसंद करते हैं, जैसे जैसे सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी, ये लेना चाहते हैं। और अब ये तो आपको बात पता है जी, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को दे रहे हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म चुप नहीं बैठेगी, वो बोलेगी ओ पार्टनर जी जरा जरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो देना, अगर ड्रॉइंग ली है तो, पर उससे नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन सब कुछ कहां जाता है जी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाता है। अब ध्यान से समझो, अच्छे से समझो पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या क्या चीजें बताता है, अब इसे ध्यान से अच्छे से समझो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहली चीज बताता है, इसमें हर वो चीज आएगी जो यूज ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, जो पार्टनर्स को मिलती है, या पार्टनर से रिलेटेड है। ओके जी, ओके। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पीएनएल अकाउंट में नहीं आएगा, मिल तो पार्टनरशिप फॉर्म को रहा है, ठीक है, तो उसकी इनकम साइड पे वैसे आना चाहिए, नो, बट इट इज रिलेटेड टू पार्टनर, पार्टनर से रिलेटेड है भाई, और कंपलसरी नहीं है, मतलब डीड में लिखा है तभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होता है, और बिकॉज वो पार्टनर से रिलेटेड है, क्योंकि हम अलग से
अलग से डेटा बनाना चाहते हैं जिसका हमने नाम क्या दे दिया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि देखो हमने अपना पूरा बिजनेस, बिकॉज बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं है ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, है ना, बिजनेस करने से रिलेटेड प्रॉफिट थोड़ी ना है, तो हम क्या बताना चाहते हैं, हम अपने पीएनएल अकाउंट में बताते हैं देखो ये पार्टनरशिप फर्म ने पूरा बिजनेस करा है, ये खर्चे किए हैं, ये कमाई की है, नेट इतनी कमाई की है। अब ये उठ के सीधा ये कमाई एक बॉल समझो, एक बॉल मैंने आपको फेंकी, वैसे पीएनएल अकाउंट ये बॉल किसको फेंकता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन को। लो पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से कैच कर लेता है, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बोलता है ये कमाई फेंकी है, अब इसको इन सारे पार्टनर्स को कैसे दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में ये लो प्रसाद बट रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो पार्टनर्स, उसके बाद इंटरेस्ट सैलरी ले लो पार्टनर्स। ओ तुमने तो ड्रॉइंग करी थी पार्टनर, तुम थोड़ा सा प्रसाद का हिस्सा हमें दो, दो हमें दे दो। ये हम अलग से करते हैं, अलग से क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अलग से पार्टनर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दिखानी होती है, इसलिए हम अलग से अकाउंट बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके ओके, बट सिर्फ एक एक्सेप्शन है मैम, एक्सेप्शन, हाँ एक एक्सेप्शन है, क्या मैम, एक्सेप्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स, जो पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट दिया जाता है, भले ही पार्टनर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना, बट बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट अ यूज ऑफ प्रॉफिट, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स का पीएनएल अकाउंट में आता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं, बिकॉज चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना पड़ेगा, चार्ज का मतलब ही होता है, इसीलिए सिर्फ ये एक ही इंफॉर्मेशन है पार्टनर से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन लोन जो पीएनएल अकाउंट में आती है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन पार्टनर से रिलेटेड कि पार्टनर से क्या ले रहे हैं क्या दे रहे हैं, सब कुछ लेना देना ही तो है पीएनएल एप्रोप्रिएशन, कि पार्टनर से क्या ले रहे हैं क्या दे रहे हैं सब कुछ कौन से अकाउंट में आता है, एक अलग अकाउंट बनाते हैं उसके लिए, कौन सा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ओके जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला नेट प्रॉफिट भी हो सकता है नेट लॉस भी हो सकता है ना, अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर नेट लॉस आ रहा है, अगर नेट लॉस आ रहा है तो कोई सेंस बनता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने का, भाई प्रॉफिट ही नहीं है पार्टनर्स को बांटोगे क्या, प्रॉफिट ही तो अलग अलग तरीके से बांट रहे हो ना, जब लॉस है तो पार्टनर्स को क्या बांटोगे आप। फिर भी अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिख दिया नेट लॉस है फिर भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओ तो बना दो, क्योंकि आपको ये पता है कि जो लॉस है वो भी हम पार्टनर से ही चार्ज करते हैं, पार्टनर की कैपिटल को कम करते हैं, जैसे अपन सोल प्रोपराइटर में करते थे, अगर प्रॉफिट है तो उससे सोल प्रोपराइटर का कैपिटल अकाउंट घट जाता था, अगर लॉस है तो उससे सोल प्रोपराइटर का कैपिटल अकाउंट कम होता था, सेम केस अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट घट जाएंगे, अगर लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कम हो जाएंगे। ठीक है भाई, लॉस हर पार्टनर को दे दो कि भाई तुम इतना इतना लो, लेकिन वो यूज ऑफ प्रॉफिट तो नहीं बताएगा ना, जो मकसद है पीएनएल एप्रोप्रिएशन का, क्यों, क्योंकि भाई लॉस है तो क्या प्रॉफिट का यूज, लॉस है प्रॉफिट है ही नहीं। लेकिन इफ इन केस क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली लिख दिया पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है तो आप क्वेश्चन के अगेंस्ट नहीं जा सकते, जो क्वेश्चन में लिखा है वो तो फिर करना पड़ेगा। ओके सिंपल, यहाँ तक सब क्लियर है। अब मैं आपको पीएनएल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बताती हूँ कैसे कैसे क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। ओके चलो ध्यान से समझना मेरी बात, सबसे पहले पीएनएल अकाउंट तो हम बनाते आए हैं ना, सोल प्रोप्राइटर में भी हमने बनाया है, डेबिट क्रेडिट सारी इनकम अपन इधर लिखते हैं, सारे एक्सपेंस अपन इधर लिखते हैं, ठीक है जी, उससे अपन का जो भी बैलेंस आता है टू नेट प्रॉफिट, इन केस अगर नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट उठ के आया यहाँ पे, ठीक है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है तभी तो प्रॉफिट आता है ना, टू नेट प्रॉफिट अपन ने लिख दिया, बैलेंस आउट कर दिया, ठीक है। ओके अब एंट्री बताए क्या होती है, ये सारा का सारा प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाता है। अच्छा यस बेटा, तो एंट्री क्या होती है, एंट्री क्या होगी, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट था,
क्रेडिट बैलेंस है ना सारा पीएनडल अप्रोप्रिएशन में डाल रहे हैं, तो ये ट्रांसफर करेंगे अपन पीएनडल अकाउंट डेबिट टू पीएनडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अपन ने सारा ट्रांसफर कर दिया, क्या बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने सारा प्रॉफिट एक अलग अकाउंट में डाल दिया जो हमने सिर्फ पार्टनर्स के लिए बनाया है, कि हम देखेंगे पार्टनर को किस किस तरीके से पैसे मिलेंगे, यूज बताएंगे प्रॉफिट का, उसके लिए हमने अलग अकाउंट में डाल दिया क्योंकि ये यूज ऑफ प्रॉफिट बताते हैं। ओके क्लियर, अब हमारा पीएनडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ओके मैम ध्यान से देखना, अब यहां बनेगा पीएनडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैम ये कैसे बनता है, अभी देखो बेटा जी ये कैसे बनता है, ये कैसे बनेगा, ये देखो ये बोलेंगे हम बाय पीएनडल अकाउंट है ना, ये डेबिट ये क्रेडिट, यहां से प्रॉफिट उठकर आया, मान लो 1 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है, तो 1 लाख का प्रॉफिट उठकर आया ये। अब ये 1 लाख रुपए कैसे बांटने हैं पार्टनर्स को, सपोज इफ देर आर ऐसे टू पार्टनर्स, ओके दो पार्टनर्स हैं, एक ए एक बी, दो पार्टनर्स हैं, इनमें इस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया ही होगा लेकिन उसके अलावा कैसे कैसे बांटेंगे, ये सब तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा जो अपन सारा यहां दिखाते हैं। कैसे, ध्यान से सुनना, जैसे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री क्या की थी, आपको याद हो अगर हम सैलरी दे रहे तो हमने एंट्री क्या की थी, सैलरी भाई पार्टनरशिप फर्म के लिए तो एक्सपेंस है लेकिन पार्टनर्स के तो मजे हो गए, पार्टनर्स कैपिटल भरेगा, और पार्टनर्स कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी। फर्म के लिए बोल रही हूँ, फर्म और ओनर अलग अलग होते हैं तो फर्म और पार्टनर्स अलग अलग है, तो फर्म के लिए पार्टनर क्या है, लाइबिलिटी। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भर रहा है क्योंकि हम उन्हें सैलरी दे रहे हैं, एक्चुअल में नहीं दे रहे, बोल रहे हैं अच्छा अच्छा तुमने इतने पैसे दिए थे कैपिटल, अब इतना तो चुकाना ही है, सैलरी भी और चुकानी है, लो ठीक है ओके। तो इससे पार्टनर, आपको ये पता ही है जो भी चीज ओनर को मिलती है उसके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होती है, जैसे सोल प्रोप्राइटर में ओनर को प्रॉफिट मिलता था कैपिटल में एडजस्ट होता था, लॉस मिलता था कैपिटल में एडजस्ट होता था, वैसे ही पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी पार्टनर्स को मिलता है, चाहे इंटरेस्ट के फॉर्म में, चाहे सैलरी के फॉर्म में, चाहे प्रॉफिट के फॉर्म में, सब कुछ कहाँ एडजस्ट होगा बेटा बताओ, कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हमने सीख ली। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, ठीक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो गया, सैलरी कहाँ जाएगी, सैलरी एक्सपेंस है ना, लेकिन कैसा एक्सपेंस है, कैसा एक्सपेंस है, पीएनडल अकाउंट वाला नहीं, चार्ज नहीं है ये, चार्ज नहीं है ये, अगर हमें लॉस हुआ ना तो पार्टनर तुम्हें कोई सैलरी नहीं मिलेगी, बड़े आए पार्टनर बनने आए थे ना तो काय की सैलरी मांग रहे हो, लॉस हो रहा है फॉर्म को, कहां से दे तुम्हें सैलरी, इतने सारे पहले के लोगों को चुकाना है तुम्हें क्यों दे, तुम तो लास्ट नंबर पे आते हो पार्टनर्स, ओनर हमेशा लास्ट पे आता है ना, पहले तुम आउटसाइड लाइबिलिटीज को पैसे देते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं, तो इसीलिए सैलरी चार्ज तो है नहीं, चार्ज नहीं है तो पीएनडल अकाउंट भी नहीं आएगा, मतलब पीएनडल अकाउंट डेबिट टू सैलरी तो एंट्री होगी नहीं, तो मैम फिर क्या एंट्री होगी, है ना बेटा, पीएनडल अप्रोप्रिएशन बनाया तो है इसमें डालो ना, तो क्या एंट्री होगी, पीएनडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, मतलब अगर पार्टनर्स को हम सैलरी दे रहे हैं ए और बी को, तो हम लिखेंगे ये 1 लाख है इसमें हम सैलरी दे रहे हैं ए को और बी को, अब सपोज आपने डिसाइड किया 10,000 की सैलरी, वो तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो पता चलेगा कितना भी लिखा होगा उतना, तो आपने इस 1 लाख में से 20,000 पार्टनर्स को कैसे बांटा है, सैलरी के फॉर्म में, ए को सैलरी दे दी, बी को सैलरी दे दी। दूसरी चीज क्या आ सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, तो उसके लिए आप एंट्री क्या करते हो, ध्यान से देखना, आप करते हो पार्टनर्स तुम ये इंटरेस्ट भी लोगे हमसे, लो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए तो एक्सपेंस है जी, है जी एक्सपेंस है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बढ़ेगा ना, बढ़ गया, अब ये एक्सपेंस चार्ज नहीं है तो पीएनडल अकाउंट में नहीं आ सकता, तो कहां जाएगा, पीएनडल अप्रोप्रिएशन में, कैसे, पीएनडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या बताना जरा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा,
ठीक है, तो अब यहां आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। अब वो डिपेंड करता है डीड में कितना लिखा है। मान लो डीड में जितनी कैपिटल आपने जितना मैंने निकालना सिखाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जितना जैसे दिया हुआ है वो अपन लिख देंगे। सपोज दिया हुआ है कि 5,000 दिया है इसको, इसको 6,000 दिए, जितनी जितनी कैपिटल लगाई तो वो लिख दिया अपन ने। ठीक है, ओके। अब देखो तो अब अपन ने पार्टनर्स को सैलरी भी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। ओके ठीक है, अब देखो आगे आ जाओ। अब क्या है, फोर्थ फिफ्थ नंबर था। अब हम पार्टनर्स ने ड्राइंग भी करी है तो हम बोलेंगे पार्टनर से सारी इंफॉर्मेशन जो पार्टनर से रिलेटेड होती है वो कहाँ आती है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है और चार्ज तो भाई पी एंड एल अकाउंट में ही आना चाहिए। ठीक है, अब इंटरेस्ट और अब पार्टनर से हम ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, इनकम है। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होगा क्योंकि पार्टनर एक्चुअली में पैसा देंगे थोड़ी ना, हम बोलेंगे तुम्हारा कैपिटल कम कर रहे हैं हम, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये जैसे मैं एंट्री करी ये रिस्पेक्टिव पार्टनर की होगी, जैसे पार्टनर पार्टनर मतलब ए कैपिटल अकाउंट डेबिट या बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो जिस जो पार्टनर है जो एक्चुअल में उनका नाम है ना, नाम तो दिया होगा ना आपको क्वेश्चन में। अभी टेंशन मत लो, अभी कंसेप्ट समझो, हम हर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर होगा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये फर्म के लिए हो गई जी इनकम, है ना, लेकिन ये इनकम कैसी है, पार्टनर से रिलेटेड, पार्टनर से मिल रही है, एक्चुअली फर्म नहीं कमा रही इसे, पार्टनर से मिल रही है ये हमें इनकम, तो इसलिए ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। इसलिए एंट्रीज में आप क्या करोगे, इनकम को कैसे डालोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। क्लियर, ओके। चल हमारा ये काम हो, तो अब हम यहां लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ओके, अब वो भी क्वेश्चन में दिया होगा या हमें बताया जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करना है जो हमने सीख लिया है। ए और बी, मान लो इससे 1,000 रुपए लिए, इससे इससे 2,000 लिए। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, 1,00,000 रुपए, 10-10,000 तो सैलरी के फॉर्म में बढ़ गए, 20,000 गए, 5,000 6,000, 11,000 रुपए, 1,00,000 में से 11,000 रुपए कैसे बैठ गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 11 + 20 मतलब कितना होता है, 31,000 डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ध्यान से देखो इधर इन नक्शल, मैं इसे इरेज करू बेटा, एंट्रीज आपको क्लियर है ना। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसे करके दिखाना जरूरी है तभी आपको क्लियर होगा। ओके, देखो ये 1,00,000 में से 11, 20 और 11, 31,000 तो जी बट गए हैं। ओके, मतलब कितने बचे, ये 1,00,000 - 30 70, 69,000। ओके, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के 3,000 मिले भी तो ये मिले भी। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ ये 69 + 1 70, 72,000। ओके, अब भाई ये 72,000 टोटल नेट कैसे बटेगा, पार्टनर्स को ही बटेगा, जो बाकी बचा प्रॉफिट होता है ये तो बात आपको पता है, ये प्रॉफिट है तो ओनर को ही जाएगा, लॉस है तब भी ओनर का। अब ये इनके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देगा किस रेशियो में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो भी डीड के अंदर लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नहीं लिखा तो इक्वल होता है। मान लो इधर इन्होंने खुद ने इक्वल लिखा है तो ये 72,000 35, 36,000, है ना, 36,000 36,000 में बट जाएगा। अब देखो कैसे बटेगा, हमने ये लिख दिया, हम लिखेंगे, हम एंट्री क्या करते हैं, एंट्री क्या करेंगे, पी एंड एल ये पूरा जो क्रेडिट आ रहा है इसको खत्म करेंगे, तो एंट्री क्या करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, सारा का सारा पी एंड एल का बैलेंस, एप्रोप्रिएशन का बैलेंस किसमें ट्रांसफर हो गया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, खत्म। तो कहां जाएगा, इधर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी तक तक, कितना आ रहा था हमारा, 36,000 ना, है ना, यही आ रहा था ना, हाँ
डन इस तरीके से बनता है पीएनडल अप्रोप्रिएशन। ओके जी, क्लियर जी। अब सुनना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, सबका कंसंट्रेशन चाहिए मुझे। ये हमने पूरा कवर कर लिया पीएनडल अप्रोप्रिएशन, ठीक है। मेन लॉजिक याद रखना, पीएनडल अप्रोप्रिएशन इज द यूज ऑफ प्रॉफिट, कि जो एक्चुअल में प्रॉफिट आ रहा है पार्टनर्स में कैसे बटना है, उस सब के लिए एक सेपरेट अकाउंट बना दिया पीएनडल अप्रोप्रिएशन, और पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें पीएनडल अप्रोप्रिएशन में आ गई। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, हम पार्टनर से ले रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म की इनकम नहीं है, मतलब बिजनेस से करी हुई इनकम नहीं है, वो तो क्या है कि पार्टनर से हम बोल रहे हैं दो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। ओके, इसीलिए वो पार्टनर उसमें किसमें आ रही है, पीएनडल अप्रोप्रिएशन में आ रही है। बिकॉज पीएनडल अकाउंट में वो इसलिए नहीं आ रही, बिकॉज वो पार्टनर रिलेटेड है, पार्टनर रिलेटेड है, तो पार्टनर रिलेटेड के लिए तो हमने अलग से अकाउंट बना दिया है पीएनडल अप्रोप्रिएशन, वो इसीलिए उसमें आ रही है, पहली बात। दूसरा मैम, इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों नहीं आ रहा, वो भी तो पार्टनर रिलेटेड है। बेटा, बिकॉज वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है, चार्ज ऑन प्रॉफिट हमेशा पीएनडल अकाउंट में आएंगे। क्लियर डन। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। चलो आ जाओ, सपोज हमारा नेट प्रॉफिट जो है ना वो कितना आया, मैं लिखती हूँ 60,000। अच्छा मैम, ओके मैम, 60,000 आया, ठीक है। तो हम अपना ये पीएनडल अप्रोप्रिएशन बनाया हमने, अप्रोप्रिएशन, और हमने लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट 60, तो अब ये 60,000 ही पार्टनर्स में बटना है कि नहीं जी, है कि नहीं, ठीक है। मान लो ये अभी इसलिए मनवा रही हूँ बेटा, बिकॉज अभी हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे ना, अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ, क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, ओके मैम, तो आप 36,000 बांटोगे, नहीं, पहले पार्टनरशिप डीड में देखोगे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है कि नहीं मिलना, सैलरी मिलनी है कि नहीं मिलना, कहाँ जाएगा ये सब। हाँ मैम सॉरी, कोई बात नहीं, चलो अभी आ जाओ, ठीक है। तो अब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब लिखा होगा कि कैसे कितने रेट पे देना है, आपने कैलकुलेट कर लिया, पता है उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है, पता है कितना आ रहा है, देखो देखो देखो, ध्यान से मेरी तरफ देखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, ए का आ रहा है 30,000, बी का आ रहा है 40,000, टोटल 70,000। अरे ये कैसे बांटोगे आप, प्रॉफिट ही 60,000 है, यूज ऑफ फंक्शन 60,000 को कैसे बांटना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 और 40,000 में तो टोटल 70 आ रहा है, ये दोगे ही कैसे, जब प्रॉफिट ही 60 है, तो भाई कैसे देंगे, क्या करें हम, कैसे दें। रुको, पार्टनरशिप फर्म आई, पार्टनर इधर आना, इधर आओ, ए और बी इधर आओ। 12th में नेहा मैम से अकाउंट्स नहीं पढ़ किया है क्या, हाँ 12th का अकाउंट्स नेहा मैम से नहीं पढ़ा, मैम ने क्या बताया था, पार्टनर्स बोलते हैं क्या बताया था, कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, तो भाई अगर लॉस है तो अगर कम प्रॉफिट बच रहा है हम क्यों दे तुम्हें, हाँ क्यों दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट है ही नहीं, क्यों दे तुम्हें, कम जितना प्रॉफिट है उतना लो, काय का ज्यादा मांगने आए हो, तो पता है क्या होता है, इसीलिए बोलेंगे कि मिलेंगे तो तुम्हें 60,000 ही। चलो ये कर सकते हैं, जिस रेशियो में तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था ना उस रेशियो में बांट दो, लेकिन कितना बांट सकते हैं भाई, है ही 60 तो सिर्फ उतना बांट सकते हैं, रेशियो क्या है 3:4, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, इक्वल, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये 60,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बटेंगे क्योंकि पार्टनर्स को मिलना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, तो इसीलिए जो चीज मिलनी थी उस रेशियो में जितना प्रॉफिट है वो बांट दो। फिर से सुनो, जो चीज मिलनी थी उसे प्रॉफिट के जितना प्रॉफिट है उसे जो चीज मिलनी थी उस रेशियो में बांट दो। अगेन आई रिपीट, जो चीज मिलनी थी उस रेशियो में बांट दो, किसको, जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। तो अब क्या मिलना था, इन
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेशियो में मिल रहा था? 3:4। ओके मैम, तो अब ये 60,000 को हम 3:4 के रेशियो में बांटेंगे। कैसे? ए को कितना मिलेगा? 60,000 डिवाइड बाय 7 × 3। और बी को कितना मिलेगा? वन सेकेंड, मैं इसे रेस कर दूं पहले। हाँ, अब देखो बी को कितना मिलेगा? 60,000 डिवाइड बाय 7 × 4। तो अब ये बटे तो 60,000 ही, क्योंकि प्रॉफिट ही 60,000 है, लेकिन किस रेशियो में? जो चीज मिलनी थी, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, इस रेशियो में बटेगा। इफ देयर आर इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट मतलब जब प्रॉफिट इतने नहीं है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी दे पाए, तब तब ये चीज होती है, तब ये चीज होती है। ठीक है, कि जो मिलना था उसी रेशियो में बांट दो, लेकिन क्या बांटो? जितना प्रॉफिट अवेलेबल है, उससे ज्यादा बांट ही नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं, और ये कोई चार्ज थोड़ी ना है जो कंपलसरी देना ही पड़ेगा। इसीलिए क्लियर सबको लॉजिक? अभी भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ लेना। ओके, यहाँ तक क्लियर? ओके, अब हमारे दो सिंपल सिंपल से टॉपिक और बचे हैं और हमारा पार्टनरशिप का बेसिक्स यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ सब, पर बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गारंटी बाय पार्टनर्स। मैम ये क्या होता है? ये अभी बता देते हैं क्या होता है। पता है क्या होता है? ये शाहरुख खान और करण जौहर अपना अच्छे से बिजनेस कर रहे थे ना, किराने की दुकान है ना, इनकी शॉप थी, बढ़िया चल रही थी, बढ़िया है कि नहीं, और इक्वल पार्टनर्स थे ये। ठीक है, इक्वल पार्टनर्स थे, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी नजर पड़ गई ये किराने की दुकान पे, मैं चाहती हूँ यार मैं भी बन जाऊं इसकी पार्टनर, है ना, और शाहरुख खान और करण जौहर भी चाहते हैं कि मैं बन जाऊं, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, सारा समझती हूँ किराने का सामान, कब कितना किससे लेना है। तो मैं इनको बोली तुम्हारी दुकान को तो मैं कहां से कहां पहुंचा दूंगी, अब शायद दुआई भी दूं, पर उनको ऐसा नहीं लगता, उनको लगता है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तो उनको क्या लगता है? मैं उन्हें बोल रही हूँ अरे मैं तुम्हें बताऊंगी कहाँ से माल लाना है किराने की दुकान के लिए, किसको सप्लाई करना है, ऊंचाइयों तक पहुंचा दूंगी, ऊंचाइयों तक तुम्हारी पार्टनरशिप फॉर्म। वो खुश हो गए शाहरुख खान और करण जौहर, मेरे ढांचे में आ गए, बेचारे सीधे थे, आ गए, आओ नहीं, हाँ मैम आओ, आप हमारी पार्टनर बनो, प्लीज बन जाओ, प्लीज बन जाओ, मैं ऐसे दिखा रही हूँ। वो बोले हाँ मैम प्लीज पार्टनर बन जाओ। ठीक है, अब वो मुझे पार्टनर बना रहे, मैं उनसे क्या बोल रही हूँ? कुछ गारंटी वारंटी तो दो प्रॉफिट की, तुम्हारी पार्टनर बन रही हूँ मैं, समझ रहे हो? मैं बन रही हूँ तुम्हारी पार्टनर, मैं, समझ रहे हो? तो है ना, मुझे कुछ गारंटी तो दो। तो वो क्या बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, हम आपको 50,000 के प्रॉफिट की गारंटी देते हैं, 50,000 के प्रॉफिट की गारंटी देते हैं, मतलब जितना भी प्रॉफिट आएगा आपका हिस्सा उसमें 50,000 का बनेगा, नहीं बना तो हम अपने हिस्से में से आपको देंगे, लेकिन आपको तो 50,000 ही मिलने। मैंने कहा ठीक है, ये होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर्स, बाय पार्टनर्स। देखो जैसे ये शाहरुख खान, करण जौहर और अब मैं भी पार्टनर हो गई, अब हम बोल रहे हैं हम तीनों इक्वल इक्वल पार्टनर्स हो गए, सबका बराबर हिस्सा, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, तीनों इक्वल पार्टनर्स हो गए तो क्या होगा जी? वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड ही होगा ना, है ना, वन बाय थर्ड ऐसे ही होगा ना, हो गया, सब खुश सब खुश। अब क्या हुआ, प्रॉफिट पता है कितना आया? कितना आया प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना आया? 80,000। 80,000 तीन हिस्सों में बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम होगी ना, 90,000 कर लेते हैं, 90,000 कितना इनका, इस पार्टनरशिप फर्म का मेरे आने के बाद प्रॉफिट हुआ 90,000। तो 30K, 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 ठीक है, तीनों में बढ़ गया। मैं आ गई, ओ शाहरुख खान करण जौहर, तुमने तो मुझे बोला था 50,000 बटेंगे, 50,000 मिलेंगे, मुझे तो 30,000 ही मिल रहे हैं। ये दोनों बोल रहे हैं हमें याद है हमें, हम तुम्हें 50,000 ही दे रहे हैं, मतलब मुझे ये लोग 20 और ज्यादा देंगे प्रॉफिट के। कहां से देंगे? अपने हिस्से में से। अब ये 20,000 की गारंटी, मतलब प्रॉफिट की गारंटी जो जिस पार्टनर ने दी है उसको देना पड़ेगा। अगर मुझे सिर्फ शाहरुख खान ने गारंटी दी है तो वो उसके 20,000 माइनस होंगे। अगर
ध्यान से देखना, अगर मुझे करण जोहर ने गारंटी दी है तो उसके 20,000 माइनस होंगे, और अगर मुझे शाहरुख खान एंड करण जोहर दोनों ने ही गारंटी दी है तो, और कितनी गारंटी दी है ऑलरेडी डिसाइडेड होता है किस रेशियो में गारंटी दे रहे हैं, मतलब ये दोनों आपस में खुद डिसाइड करेंगे कि कितनी गारंटी देनी है। मतलब अगर प्रॉफिट कम पड़ गया, जो जो पार्टनर को हम गारंटी दे रहे हैं उसको देने में प्रॉफिट कम पड़ गया, तो भाई शाहरुख खान करण जोहर आपस में डिसाइड करेंगे कि नेहा मैम को हम बुला रहे हैं, अब अगर उन्हें प्रॉफिट कम पड़ गया तो बताओ हम दोनों आपस में कितना लॉस बेयर करेंगे, इक्वल रेशियो में या जिस भी रेशियो में जो मेंशन होगा, ऑलरेडी डिसाइडेड, ऑलरेडी डिसाइडेड, वो आपस में डिसाइड कर लेंगे। अब जैसे मान लो उन्होंने डिसाइड किया कि इक्वल रेशियो में लॉस बेयर करेंगे, तो 20,000 का लॉस है, एक और दूसरी पेन में यूज करती हूँ, तो वो बोलेंगे ठीक है 10K इसमें से माइनस होंगे, 10K इसमें से माइनस होंगे, इसको 20K मिल जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि कैसा आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, डीड में क्या लिखा है, जितने पार्टनर्स हैं सारे पार्टनर्स मिलके नए को गारंटी दे रहे हैं या कोई एक पार्टनर गारंटी दे रहा है, और सारे पार्टनर्स दे रहे हैं तो किस रेशियो में गारंटी दे रहे हैं, इक्वल रेशियो में या कोई डिफरेंट रेशियो, वो डिपेंड करता है एग्रीमेंट में क्या लिखा है। ये था हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ओके, अब लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है हमारा P&L एडजस्टमेंट्स अकाउंट। अरे मैम ये क्या है, कुछ नहीं है, 11th में रेक्टिफिकेशन पड़ा था ना, ये वो ही है। बहुत सिंपल, आपको क्वेश्चन में दे देंगे कि है ना कोई गलत एंट्री हो गई है, कोई गलत एंट्री हो गई है, ठीक है, जैसे प्रॉफिट इतना बटना चाहिए था इतना बट गया, गलत ऐसे कोई भी एंट्री हो गई है, ठीक है, गलत एंट्री अगर कुछ भी हो गई है, ओके, अब उसको सही कर दो। तो सही कैसे कर सकते हो, ये अकाउंट यूज करके P&L एडजस्टमेंट। मैम कैसे, अभी 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 बता देते हैं, ठीक है, ये ए है ये बी है, प्रॉफिट था 60,000, रेशियो था इनका इक्वल, मतलब इनको कैसे बटना चाहिए था 30,000 30,000, ओके मैम, लेकिन ये बट कैसे गया, इसको 20,000 इसको 40, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड, आपने ये गलती कर दी। सही करोगे पता चलेगा, सही तो करोगे, अब देखो ध्यान से समझना अच्छे से। फर्स्ट आप देखोगे ए को मिलने चाहिए थे 30K, लेकिन ए को एक्चुअली में मिले हैं 20K, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए का कैपिटल अकाउंट 30K से क्रेडिट होना चाहिए था जबकि 20K से क्रेडिट हुआ है, मतलब 10K से कम क्रेडिट हुआ है, जो एक्चुअली में हमें करना है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, ये डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब भाई डेबिट किसको करें, ये तो कर दिया ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अकाउंट में तो डेबिट क्रेडिट होता है, डेबिट किसको करें, इसके लिए इन्होंने नया अकाउंट बना दिया, एक नया अकाउंट बना दो, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितना 10K। अब क्या हो गया, इससे क्या हो गया, इसका अकाउंट करेक्ट क्रेडिट हो गया, P&L एडजस्टमेंट एक नया अकाउंट खोल दिया जिसका डेबिट बैलेंस हो गया 10K। अब दूसरे पे आ जाओ, ये बी, इसको 30K मिलने चाहिए थे 40K मिल गए, मतलब क्रेडिट होना चाहिए था इतने से, क्रेडिट हो गया इतने से, मतलब ये 10K से ज्यादा क्रेडिट हो गया, तो 10K से इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो आप क्या करोगे, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 10K से। भाई मैम क्रेडिट किससे करें, है ना हमारे पास अकाउंट P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 10K, सिंपल एक्टिवेशन, तो देखो क्या हुआ, डेबिट हुआ P&L, क्रेडिट हुआ खत्म, बी खत्म, इसका अकाउंट हो गया 10K से क्रेडिट, तो अब ये 30K पे पहुंच गया, इसका अकाउंट हो गया 10K से डेबिट, तो ये भी 30K पे पहुंच गया। लेकिन याद रखना ये सिर्फ एग्जांपल है, जैसे रेक्टिफिकेशन में बहुत टाइप के एरर हो सकते थे ना, पार्टनर्स में भी हमें दे दिया जाएगा कि ये एरर है ये वो एरर है, तो बस उसको हमें सही करना पड़ेगा। पर सही कैसे करते हैं, अपन एक अलग अकाउंट खोल के P&L एडजस्टमेंट, या दूसरा तरीका, बहुत सिंपल तरीका है, दूसरा तरीका है काय का नया अकाउंट खोल दो एडजस्टमेंट। सुनो ध्यान से देखो, पार्टनरशिप फॉर्म बोल रही है, ध्यान से देखो सुनो,
ए का अकाउंट जो है कम क्रेडिट हुआ, उसको क्रेडिट करना है, करो क्रेडिट, कर दिया भाई एस कैपिटल अकाउंट 10K, कर दिया क्रेडिट, ठीक है हो गया क्रेडिट ओके। बी का कैपिटल अकाउंट ज्यादा क्रेडिट हो गया, डेबिट करना है, कर दो ना डेबिट बी कैपिटल अकाउंट, हो गई सही एंट्री, उसका 10K से ज्यादा हो गया, उसका 10K से कम हो गया, डेबिट क्रेडिट, सॉर्टेड मामला हो गया सॉर्टेड। और इसमें देखो ये चीज यही है वैसे भी, आप अकाउंट खोलो तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ डेबिट करो यहाँ क्रेडिट करो खत्म। तो एक्चुअली में तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट और ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, जो ये हो रहा है वही तो हो रहा है ना। अब लेकिन डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि रेक्टिफिकेशन आपको करना ही पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से, तो आपको वो अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा तो हम डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट से ही सारा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, है कि नहीं, कर सकते हैं ना, तो डायरेक्ट करें। बाकी तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, हम सारे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सीखेंगे। अब यहां तक हमारा पूरा पार्टनरशिप का बेसिक्स हो गया, हमने पार्टनरशिप का पूरा बेसिक्स यहाँ पे कवर कर लिया। हमारा पार्टनरशिप बेसिक्स के चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे हमने सारे कवर कर लिए, ओके। अब माय सजेशन वुड बी, प्लीज आप लोग, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में अब इसके क्वेश्चंस उठाऊंगी, तो माय सजेशन वुड बी कि आप नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करने से पहले, देखने से पहले, जो मैंने आपको कंसेप्ट नोट्स दिए हैं जो प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में है सारे कंसेप्ट नोट्स, उनको सबको फटाफट एक बार पढ़ लो। सिर्फ 5 पेजेस के कंसेप्ट नोट्स हैं, मैंने इतना डिटेल में पूरा समझाया है, वो आराम से समझ में आएंगे। उन नोट्स को खटखट खटखट बस पूरा पढ़ लो, उन्हीं नोट्स का इलेबोरेशन मैंने क्लास में किया है, पर वो नोट्स मैंने आपके एग्जाम पर्पस के लिए बनाए ताकि आप एग्जाम में फटाक से रिवाइज कर पाओ, पर हर नोट के पॉइंट को हमने क्लास में डिटेल में समझाए, ठीक है। अब फटाफट उन्हें रिवाइज कर लेना, हम नेक्स्ट क्लास में इसके सारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे और खत्म करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्लासेस, ओके ठीक है ओके। चलो हैव अ गुड डे एंड बाय 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 ओके बाय।